हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल शो के लिए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए थे कि मैं एक रिमोट कंट्रोल स्विच बनाऊं, तो मैंने इस वीडियो में एक रिमोट कंट्रोल स्विच भी बनाया है और साथ में एक रिमोट भी बनाया है, जिसको मैंने इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको बनाना बताया है, जिससे आप लोग बिल्कुल आसानी से ये रिमोट कंट्रोल स्विच और रिमोट बना लोगे। और साथ ही आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये सभी अप्लायंस पे काम करेगा, जैसे बल्ब, फैन, वाटर पंप आदि पे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए लेंगे हम IC CD 4017 4017। तो ये 16 लेग की है और मार्केट में आपको ये 10 रुपये में मिल जाएगी। और इसके पिन आउट में आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। और एक लेंगे हम रिले 12 वोल्ट का, और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 5 लेग का होता है और इसमें ये पिनों की डिटेल है, देख सकते हैं आप। और ये भी मार्केट में आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। एक लेंगे हम ट्रांजिस्टर 2222, ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसकी 1, 2, 3 पिन एमीटर बेस और कलेक्टर इस प्रकार से है, और ये मार्केट में आपको 1.5 से 2 रुपये में मिल जाएगा। एक लेंगे हम डायोड 4007, ये मार्केट में आपको 1 रुपये में 2 मिल जाएंगे। एक लेंगे हम रेजिस्टेंस 10K क्वार्टर वाट की, ये आपको 1 रुपये में 5 मिल जाएगी। और एक लेंगे हम रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, ये भी क्वार्टर वाट की है और ये भी 1 रुपये में 5 आपको मिल जाएगी। एक लेंगे हम IR रिसीवर, इसकी बड़ी वाली लेग पॉजिटिव और छोटी वाली लेग नेगेटिव होती है और ये मार्केट में आपको 3 रुपये में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ MDF बोर्ड कटिंग किए हैं, ये 3mm का है, 1x2 इंच के 2, 1x3 इंच के 2 और 2x3 इंच के 2 टुकड़े हमने इस प्रकार से कटिंग किए हैं। दोस्तों, MDF बोर्ड आपको फर्नीचर शॉप से मिल जाएगा 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, और यह सारा सामान आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। और दोस्तों, मैंने हर वीडियो के अंदर सारे कंपोनेंट्सों की जानकारी दी है, फिर भी हमारे कुछ फ्रेंड्सों के कमेंट आते हैं कि सर आप पार्ट्सों की डिटेल नहीं बताते। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको सारे पार्ट्सों की डिटेल बता देता हूं, और फिर भी मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं। अगर आपको ये पार्ट्स अपने एरिया में नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये 16 लेग की IC है और इसको हम इस MDF बोर्ड पर इस प्रकार से चिपका देंगे उल्टा, तो इसकी जो पिनों की डिटेल है वो भी उल्टी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस IC की पिन नंबर 8 और पिन नंबर 13 पर जंपर लगाएंगे। जंपर मतलब कोई भी वायर का टुकड़ा, पतला, तो देख सकते हैं आप। और इसी प्रकार से हम पिन नंबर 4 और 15 पे जंपर लगाएंगे इस प्रकार से। दोस्तों, इस रिमोट कंट्रोल स्विच और इसका जो रिमोट है, इसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बनाना बताऊंगा, जिससे आप लोग इसको घर पे ही बना लोगे। तो यार, इस बात पे एक लाइक ज़रूर बनता है और हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो रिले है इसको हमने इस प्रकार से चिपका दिया है, और इसकी जो पिनों की डिटेल है वो मैं आपको बीच बीच में साइड में बताता रहूँगा। अब जो ट्रांजिस्टर हमने लिया था 2222, उसके कलेक्टर को हम रिले के इस कोयल पर इस प्रकार से लगा देंगे, और इसी कोयल से 4060 डायोड के एनोड को सोल्डरिंग करते हुए रिले की दूसरी कोयल पे सोल्डरिंग कर देंगे। और अब लेंगे हम 1K की रेजिस्टेंस और इसको IC की पिन नंबर 2 पे सोल्डरिंग करते हुए ट्रांजिस्टर के बेस पे सोल्डरिंग कर देंगे। और अब लेंगे हम 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस, इसको हम IC की पिन 8 पर सोल्डरिंग कर देंगे, जहाँ पर पिन नंबर 8 और 13 सोल्डरिंग है। और यहाँ पर लेंगे हम एक जम्पर, जिसको ट्रांजिस्टर के एमीटर पे सोल्डरिंग करते हुए 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस पे सोल्डरिंग कर देंगे, जहाँ पर पिन नंबर 8 सोल्डरिंग है। अब IC की पिन नंबर 14 पे इस प्रकार से जंपर लगाते हुए इसको 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस पे इस प्रकार से सोल्डरिंग करेंगे। अब 1x2 इंच के जो 2 MDF बोर्ड के टुकड़े हैं उन पर इस प्रकार से ड्रिल मशीन के द्वारा छेद करेंगे। तो इस प्रकार से इस पे 2 छोटे छोटे छेद करेंगे और इस पे थोड़ा बड़ा छेद करेंगे। अब जिस MDF बोर्ड के टुकड़े में हमने थोड़ा बड़ा छेद किया था, उसमें हम IR रिसीवर को इस प्रकार से लगा देंगे और इसको इंस्टेंट ग्लू के द्वारा इस प्रकार से यहाँ पर चिपका देंगे। अब 1x3 इंच के जो 2 टुकड़े थे उनमें से एक टुकड़े पे इस प्रकार से हम छेद कर लेंगे ड्रिल मशीन के द्वारा। और इसको भी इंस्टेंट ग्लू के द्वारा साइड में चिपका देंगे इस प्रकार से।
अब हम यहाँ पर दो वायर के टुकड़े लेंगे जिनको हम यहाँ पर इन छेदों के अंदर से निकाल के और एक वायर के टुकड़े को हम रिले की कॉमन वाली पिन पे सोल्डरिंग करेंगे और दूसरे वाले वायर को हम रिले की एनो वाली पिन पे सोल्डरिंग करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, अब इन दोनों वायरों के ऊपर हम ग्लू गन के द्वारा ग्लू डाल देंगे इस प्रकार से। और जो 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमने सोल्डरिंग कर रखी थी आईसी की पिन नंबर 8 पे, उसको हम आईआर रिसीवर के पॉजिटिव पे इस प्रकार से सोल्डरिंग कर देंगे। अब डायोड के कैथोड से एक जंपर वायर जोड़ते हुए आईआर रिसीवर के नेगेटिव पे जोड़ेंगे और उसी आईआर रिसीवर के नेगेटिव से एक वायर का टुकड़ा जोड़ते हुए आईसी की पिन नंबर 16 पे इस प्रकार से जोड़ते हुए उसी वायर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे जो कि पॉजिटिव वायर है, और इसीलिए हमने ये रेड कलर का वायर लिया है। और यहाँ पर हम नेगेटिव वायर जोड़ेंगे जो कि हमने आईसी की पिन नंबर 8 पे जोड़ दिया, और ये ब्लैक कलर का वायर है। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई थी हमारे से, ये आईसी की पिन नंबर 14 पे जो हमने वायर जोड़ा था वाइट कलर का, उसको 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस के इस तरफ ना जोड़ के रेजिस्टेंस के उस तरफ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा सर्किट बिल्कुल कम्प्लीट हो गया। अब हम इंस्टेंट ग्लू के द्वारा इसका साइड वाला टुकड़ा भी जोड़ लेंगे इस प्रकार से, जो कि हमने 1x3 इंच का लिया था। अब इसमें हमने जो दो वायर हमने बाहर की तरफ निकाले थे यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, ये कॉमन तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे, और यहाँ पर ये ब्राउन वाले वायर पे एनओ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर एनओ लिख देंगे। हम ये एनओ और कॉमन क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर जो एक टुकड़ा और बचा हुआ था साइड वाला, उसको भी हम यहाँ पर इस प्रकार से चिपका देंगे। और जो दो वायर हमने निकाले थे साइड के अंदर रेड और ब्लैक सप्लाई के लिए, तो उसको हम इसके अंदर से निकाल देंगे जैसा कि हमने ड्रिल मशीन से छेद किए थे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये नेगेटिव वायर है तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर ये पॉजिटिव वायर है तो वहाँ पर हम प्लस लिख देंगे, और ये यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई देंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी हमने पेंसिल से मार्क किया है, बाद में मैं यहाँ पर मार्कर के द्वारा मार्क कर दूँगा। दोस्तों इसका मैं पूरा सर्किट डायग्राम आपको वीडियो में बता दूँगा आगे। अगर इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो ऊपर वाला पैनल आसानी से कटर वगैरह या किसी नुकीली चीज़ के द्वारा उतर भी जाता है। और अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने फिनिशिंग कर दिया है सैंड पेपर के द्वारा। तो दोस्तों ये तो हो गया रिमोट कंट्रोल स्विच यानी वन पार्ट, और ये कैसे काम करता है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो दोस्तों इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी बनाना ज़रूरी था। तो यहाँ पर हम रिमोट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक पुराना ख़राब रिमोट ले लेंगे और उसमें जो बैटरी लगती है वो वाला हिस्सा इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसी प्रकार से यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव के जो पॉइंट है वो भी इस रिमोट के सर्किट से इस प्रकार से निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वाली पत्ती लगी हुई है और इस तरफ भी हमें लगाना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये पत्तियाँ हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेल लग जाएंगे जैसा कि रिमोट में लगते हैं, और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट है ये बाहर ना निकले इसलिए हम यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू के द्वारा इनको चिपका देंगे। अब यहाँ पर हम इस प्रकार का पुश बटन स्विच ले लेंगे जो कि 4 लेग का होता है, ये आपको मार्केट में 1-2 रुपये में मिल जाएगा। और एक लेंगे हम IR LED, इसको इंफ्रारेड ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। आप चाहे तो ये रिमोट के अंदर से भी निकाल सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, ये आपको मार्केट से 3 रुपये में मिल जाएगी। अब IR रिसीवर की पॉजिटिव वाली लेग को हम स्विच पे इस प्रकार से लगा देंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं IR LED में भी बड़ी वाली पिन पॉजिटिव और छोटी वाली पिन नेगेटिव होती है, और IR LED के नेगेटिव लेग पे हम एक वायर जोड़ देंगे। यहाँ पर मैं ब्लैक वायर जोड़ रहा हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने कनेक्शन कर लिए हैं और इसको हम रिमोट पर इस प्रकार से लगाएंगे। तो स्विच के एक तरफ से हम लेग को कट कर लेंगे क्योंकि हम नेगेटिव के लिए ब्लैक वाला वायर सीधा रिमोट के नेगेटिव पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम स्विच को ग्लू गन के द्वारा ग्लू से चिपका देंगे, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा रिमोट के अंदर किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव इंगित रहते हैं, तो इस LED का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो हम स्विच के इस लेग से इस प्रकार से जोड़ देंगे, और नेगेटिव के लिए जो ब्लैक वाला वायर हमने बाहर निकाला था उससे हम इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा रिमोट तैयार है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको आप लोगों को चेक करके बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं रिमोट की जो IR LED है उसको हम ऐसे देख नहीं सकते, तो मैं आपको कैमरे के अंदर से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो रिमोट है वो वर्किंग करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आमतौर पर जो रिमोट आता है वो भी इसके साथ वर्किंग कर सकता है जो हमने रिमोट कंट्रोल स्विच बनाया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक रिमोट हमने लिया है जानबूझकर मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि इसका जो स्विच है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। एक बार दबाने पे ये कम से कम 10 बार इसकी LED ब्लिंक करती है, जबकि
हमने जो रिमोट बनाया है उसको एक बार दबाने पे एक बार ही ब्लिंक करेगी। तो इस प्रकार से जो हमने रिमोट कंट्रोल स्विच बनाया है उसके लिए हमारा बनाया हुआ रिमोट ही काम करेगा। अब हम यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई लेंगे, तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो बैटरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, नेगेटिव की जगह नेगेटिव वाला वायर और पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव वाला वायर हमने लगा दिया है। और ये देखिए, इसमें से कट कट की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये रिमोट कंट्रोल स्विच काम करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से चेक करके बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पर एक बल्ब होल्डर और एक प्लग ले लेते हैं। तो प्लग को मैं उस तरफ रख रहा हूँ जिस तरफ सी लिखा हुआ है, और बल्ब होल्डर को उस तरफ रख रहा हूँ जहाँ पर NO लिखा हुआ है। तो आपको भी ये कनेक्शन इसी प्रकार से करना है। AC देनी है तो C की तरफ रखना है, और आउटपुट लेने के लिए NO की तरफ। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं एक LED बल्ब यूज कर रहा हूँ, और ये देखिए इस प्रकार से हमारा जो रिमोट कंट्रोल स्विच है वो वर्किंग करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक 14 वाट का CFL बल्ब, और ये देखिए किस प्रकार से वर्किंग करेगा। तो ये देखिए दोस्तों इसके कनेक्शन, और यहाँ पर हमने एक चार्जर लगा रखा है 12 वोल्ट का। आप चाहे तो 9 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 वोल्ट से 12 वोल्ट तक का चार्जर या फिर बैटरी लगा सकते हैं इस रिमोट कंट्रोल स्विच को सप्लाई देने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा CFL बल्ब भी काम कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको ये 0 वाट का बल्ब चेक करके बताता हूँ। फिलहाल मेरे पास 100 वाट का नहीं है, नहीं तो मैं आपको वही चेक करके बताता। तो वैसे तो ये 15 वाट का होता है, लेकिन हम लोग इसको 0 वाट बोलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से वर्किंग कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर फ़ैन चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जो प्लग है उसको हम छोड़ देंगे, और दूसरी साइड में जहाँ पर होल्डर लगा हुआ है उस साइड में हम एक फीमेल प्लग जोड़ेंगे इस प्रकार से, और फिर इसमें फ़ैन लगा के देखेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा के देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर टेबल फ़ैन लगा रहा हूँ, आप चाहे तो छत वाला पंखा भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा सकते हैं। तो इस रिमोट कंट्रोल स्विच को आप अपने अनुसार फिट कर सकते हैं अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को रिमोट से कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप टक टक की आवाज़ सुन रहे होंगे, ये इस रिमोट कंट्रोल स्विच के अंदर रिले की साउंड है। तो इस प्रकार से हमारा जो रिमोट कंट्रोल स्विच है वो वर्किंग करता है, देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने इसका सर्किट डायग्राम कम्प्लीट कर लिया है, और अब आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इस सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने कनेक्शन किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं इस प्रकार से छेद कर लेता हूँ। ताकि इसके अंदर लगे हुए कोई भी कंपोनेंट्स हीट नहीं हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये रिमोट कंट्रोल स्विच और उसका ये रिमोट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के LP क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।